कुल दुनिया के सरबत धार्मिक ग्रंथों विचों सर्वोत्तम गुरता गद्दी ते सुभाए मान शब्दावतार सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी के पावन पवित्र चरणों च बैठ के सचखंड दरबार दियां हाजरियां भर के गुरु साहबान के प्रति अपनी अथाह श्रद्धा का प्रगटावा करते हुए देवत्या वांग समाधियां लग के जुड़ बैठे सत्संगी जनों दर फतेह प्रवान करो और प्यार सत आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जो आप सरबत संगतां दे नाल सिख राज कीवें गया लड़ी प्रारंभ की हुई है इहदे पहले कांड की अज समाप्ति होवेगी। विद्वानां ने इसनों चार हिस्सों जित तकसीम किया होया है। बहुत दिनों तो पहला कांड मैं तुहाडे नाल सांझा करने अज पहला कांड जिहड़ा है वह आप संगतां दी असीस दे नाल सतगुरां दी कृपा दे नाल तुहाडे चरणां च संपूर्ण करना लोचदा हाँ। सिख राज जाण दा प्रमुख कारण यह बनिया कि भरा नूं भरा उत्ते विश्वास हट गए, असी सलाह करनी छड़ दित्ती, क्योंकि अज पहले कांड की समाप्ति है। मोटे तौर दे उत्ते मैं सारे कांड दे उत्ते दो कु मिंट दे च तुहाडी नज़र जिहड़ी है वह खड़नी चाहुंदा हाँ। 27 जून 1849 ईस्वी वीरवार पूर्णमाछी 15 हाड़ 1896 बिक्रमी वाले दिन शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह इस दुनिया मुकामे फानी तो कूच कर गए। उन्हां दे छेती चले जाण दा प्रमुख कारण बनिया सिख राज दा चीफ सेनापति सरदार हरी सिंह नलूआ, जिहड़ा 30 अप्रैल 1837 ईस्वी दिन शनिवार जमराव दे किले की राखी करता होया रण तत्ते च शहीद होया। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने जेठे पुत्र खड़क सिंह नूं पंजाब दी राह वागडोर संभाली, उन्हां दा वजीर बेईमान ध्यान सिंह डोगरा बनिया। 3 महीने 11 दिन राज करन तो बाद बेईमाना ने खड़यंत्र चा के महाराजा खड़क सिंह कैद च पाया, उन्होंने साले सरदार चेत सिंह बाजवी नूं कतल किया। पंजाब दे तखत उत्ते पंजाबियों का दूसरा बादशाह बैठा महाराजा खड़क सिंह का लखते जिगर कवर नाउन निहाल सिंह, 1 साल 28 दिन इसने राज किया। 1 साल 28 दिन महाराजा खड़क सिंह अपने पुत्र दे बादशाह होंदिया कैद च रहे। यह गल कहनी लाजमी बनती है, पुत्र बादशाह है बाप कैदी है, तकरीबन बादशाह दे नाल इस तरह ही होंदा है। थोड़ी कीत्या तख्त छड़दे नहीं किसी दे वास्ते, जां ते गोलियां दा निशाना बनते हैं, जां कोई किसी भयानक मौत दे नाल अचानक चले जांदा, जां राज दे पलटे होंदे हैं। 1 साल 28 दिन कैद रह के जिहदे विचों तकरीबन 10 महीने बीमार रह के 38 साल 9 महीने आजू भोज भोग के पंजाबियों का बादशाह महाराजा खड़क सिंह दुनिया तो विदा होया। यह मैं सारा कुछ तुहाडे वास्ते एक बार फिर इसनों याद नूं ताजा करन वास्ते, क्योंकि पहले कांड की अज समाप्ति है, रख रहा हाँ। 5 नवंबर 1840 ईस्वी वाले दिन कवर नाउन निहाल सिंह जी इस दुनिया तो विदा होए। 19 साल 7 महीने और 27 दिन की आजू भोग के पुत्र के मरण तो बाद महाराणी चंद कौर पंजाब के तखत की वारस बनी, जिन्हें 2 महीने और 9 दिन पंजाब का राज किया। शेर सिंह ने किले के उत्ते हमला करके महाराणी चंद कौर के कोलो तख्त खोया। फिर इन्हों दोवां नूं नौ सस नूं बीबी नानकी नूं श्याम सिंह अटारी की पुत्री नूं ते बाद च महाराणी चंद कौर नूं मरवा दिता गया। 13 जून 1842 ईस्वी नूं महाराणी चंद कौर इस दुनिया तो चले गई।
फिर महाराजा शेर सिंह दी और ध्यान सिंह डोगरे दी खुल मुखली लगन लगी। डोगरियां नूं नत्थ पाउण वास्ते महाराजा शेर सिंह ने अपने उत्ते भरोसा किया ते अपने ताए चाचे दे पुत भरा संधा वाली सरदार जिहड़े जेल विच बंद सन उन्हां नूं जेलां विच छड्डिया गया, जगीरां ते बहाल किया गया। सियाणे कहिंदे ने शरीके दा प्यार हो जावे ते हदों वध, तकरार हो जावे ते हदों वध। महाराजा शेर सिंह संधा वालियां सरदारां दे नाल ढिड्डों साफ सी, पर संधा वालिए सरदार पंजाबियां दे बादशाह दे नाल ढिड्डों साफ नहीं सन। उन्हां दे ढिड्डां विचों इह वैर नहीं सी गया कि इन्हें सानू जेल विच पाया और सानू जलील कीता, साडियां जगीरां खोईआं सन हुण आप ते बणीआं ते सानू जगीरां ते बहाल कर रहे। इस कमजोरी का पता बेईमानी के पुतले ध्यान सिंह डोगरे नूं लगा, उसने संधा वालियां नूं अपने हत्थां उत्ते पाया। बेशक संधा वालिए सरदार उहदे हत्थां उत्ते नहीं पए, पर बादशाह ते वजीर दी फुट दे विचों उन्हां ने अपना रस्ता साफ हुंदा होया नजर उन्हां नूं आया। दोहां दे कोलों लिखती इकरारनामा लैके जो कल दे दीवान विच तुसां ने सरवण कीता, 15 सितंबर वाले दिन महाराजा शेर सिंह जो कि उस वेले बाग बानपुरे विच मेला लगा के बैठा होया सी, सरदार अजीत सिंह ने गोली मार के उसनूं मार दिता। जबर कर रहे उसके गड़वेई सरदार बुद्ध सिंह मेहरे नूं भी उन्होंने संगीन खोप के मार दिता और पंजाबियों के बादशाह का सिर वड लिया। असी कई बार सूरमे दीआं गाथावां गाउंदे हन कि मसे का सिर सरदार सुखा सिंह ते महताब सिंह वड के लै गए, उन्हें तो सचखंड श्री हरिमंदर साहब की बेइज्जती की सी, यह पंजाबियों के बादशाह ने तो राज भाग कायम किया। 2 साल 7 महीने 27 दिन राज करन तो बाद यह शेर सिंह मौत के घाट उतार दिता गया। तकरीबन 36 साल की आयु भोग के पंजाबियों का चौथा बादशाह भी दुनिया तो विदा हो गया। गल मुक जांदी ठीक सी, मर लग्या शेर सिंह ने यह गल आखी, कहन लगे अजीत सिंह माड़ा कीता ही, बस इन्ना ही कह सकिया। उहदा सिर वड लिया गया, सिर वड के केसां तो फड़ के घोड़ियां उत्ते हो के सवार वह लाहौर दे शाही किले वल नूं गए। 8 साल का पुत्र टिका प्रताप सिंह सरदार शेर सिंह का लखते जिगर खेड रहा, तेज दिमाग का यह होनहार बच्चा। वाहेगुरु ने पता नहीं इहनूं किन्नी क शकल और किन्नी क अकल दे छड्डी सी, जिहदा मैं जिक्र कल दे दीवान च तुहाडे नाल कर चुका। कोई संगतां कल दे दीवान च नहीं होणगीआं, मैं 2 मिंट होर इत्थे तुहाडे लैणा चाहुंदा हां। यह 8 साल का बालक उह है जिहड़ा हर ही विदेशी आए हुए मेहमान नूं जीवां आखदा सी, उहदे रहण बहन सहण का प्रबंध करदा सी, खाने का प्रबंध करदा सी, जाण लग्गिआ उसनूं तोरन जांदा सी, वड़े वड़े फैसले 8 साल का बालक करता सी। तुसी जरूर उहदी तस्वीर वेखियो, कदी श्री अमृतसर साहब जायो वेखियो, अजैब घर दे विच एंड सेंटर दे विच फ्रेम दे विच मढ़ियां होईयां स्टैंड उत्ते लटकदियां होईयां उहदियां तस्वीरां। एक टिका प्रताप सिंह दी कल्ले दी है मौके दी उतारी हुई तस्वीर, एक उहदे नाल बॉडीगार्ड हन, भुख लैंदी आ उहनां तस्वीरां नूं वेखदिआं होईयां। एंथनी ईडन अंग्रेज लेडी ने उह तस्वीरां बणाईआं होईयां। लहणा सिंह ने सोचा बापे का मारता, फौजां की हमदर्दी ये हो जानी है, पंजाब का बादशाह बनेगा, इन्हें साड़ी चलन नहीं देनी, भावें 8 साल का बालक है पर तेज बुद्धि का मालक, हुण कल्ला मार दे उसनूं। जदों तेग लैके टिका प्रताप सिंह वल वधे, उहदियां गुलाब दियां पंखड़ियां वर्गियां निक्कियां निक्कियां बुल्लियां ते छोटी जी सिर दे उत्ते सजी हुई दस्तार, मां ने रीझां दे नाल केस सवार के बधे होणगे, गल शाही पोशाक पाई हुई यार, छोटी जी श्री साहब दे ढाके लटक रही है, यह छोटी जी श्री साहब दे नालों वड्डी मुसीबत का मुकाबला इस टाइम नहीं सी कर सकदा। वह अपने बाबे सरदार लहणा सिंह दे पैरां दे उत्ते डिग पिया। बंसावली पढ़ीए ते लहणा सिंह टिका प्रताप सिंह दा दादा लगदा सी शरीके दे चों, मासूम बच्चे ने, 7.5 साल का सी साहब बाबा जोरावर सिंह जी जदों नीहां विच खिलारिया गया। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਿੱਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸੇ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ
ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਤੇਗ ਮਾਰੀ ਔਰ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਦੇ ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਖਣਾ ਧੜ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਧੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਿਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਸਿਰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਬੂਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਤਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਹੁਣ ਜੜ੍ਹ ਪੁੱਟੀ ਗਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਨਾ। ਉੜਦੀ ਉੜਦੀ ਖਬਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਟਹਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਸੰਧਾ ਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਿੱਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਰਨਾ, ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਰੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਰੇੜਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਲ੍ਹਿਓ ਨਿਕਲਦਾ ਮਿਲਿਆ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਤਿਲਕ ਦਲੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਹੱਥੀ, ਕੰਡਾ ਰਾਹ ਚੋਂ ਅਸਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਆਖ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਵੜੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਅਰਦਲੀ ਨੇ ਚੱਟ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰ ਬੂਹਾ ਆਮ ਖਾਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੇੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਅੰਦਰਲੀ ਡਿਉੜੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੰਦਰ ਅੰਦਰਲੀ ਡਿਉੜੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹੀ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ, ਬਾਕੀ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਕਹੋਣ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਜੋ ਸਿਖਾਉਣ ਉਹ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਜ਼ੀਰ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨ ਨੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਪਾਪ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਅਜੇ ਬੱਚਾ, ਤੂੰ ਨਿਆਣਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਮੈਂ। ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ,
पर कीता कुछ नहीं जा सकता। लहणा सिंह ने इस ज्ञानी गुरमुख सिंह नूं आख्या, कहन लगे बाबा जी तुहाडी की राय। कहन लगा संधा वालियो तुसां अज तक कोई जिंदगी च चाई दा काम नहीं कीता, अज उस तों वड्डा माड़ा काम कीता तुसां ने शेर सिंह नूं मार के। टिका प्रताप सिंह ने की विगाड़िया सी, तुसां ने इहनूं भी मार दिता है, पर जो हो गया सो हो गया। मैं एक गल दसां तुहानूं, उहनां आख्या कहड़ी? कहिंदा जट जदों गुड़ काढ़दा ना वेलना नवा लिया, एक माद बीजा चार किले होने, इसन पीड़ना वेलना नवा लिया, कड़ाह भी नवा लिया, सारा कुछ ही चुंबा भी नवा बनाया जाता है। हुण सारा कुछ नवा बना के तो जिदे मैल पुनी है, पुनी पुरानी थोड़ी लानी है, उसने पुनी भी नवी ला लेनी चाहिए। और जे तुसने पंजाब का बादशाह बदलना तो फिर तुहानू वजीर भी बदल देना चाहिए। ध्यान से ने आख्या, कहन लगा ज्ञानी जी जरा होश नाल गल करो, तुसी गल किहदे नाल कर रहे हो और किहदे खिलाफ गल कर रहे हो? तुसी ध्यान सिंह दे बरखिलाफ गल कर रहे हो। ज्ञानी गुरमुख सिंह ने आख्या बकवास बंद करो ध्यान सिंह, होश नाल गल करी। लहणा सिंह ने आख्या, कहन लगा ध्यान सिंह जी जरा अकल नाल गल करो साडे नाल। ध्यान सिंह ने आख्या मेरा की विगाड़ लोगे, तुहानू पता किहदे उत्ते किन्ना हो जांदा कब्जा? लहणा सिंह ने आख्या किन्ना दा? कहिंदा डोगरा दा। ते लहणा सिंह ने कहा डोगरा डागरा कोई नहीं, संधा वालियां दीआं फौजां दा कब्जा ही, किते तेरे मन च भुलेखा ना होवे। जे रातों रात तू फौजां बदल सकदा ते असीं भी बदल सकदे हां। तू खालसा फौजां नूं हटा के डोगरा फौजां ला सकना है? खड़क सिंह नूं कैद करन वास्ते और तेरे वर्गे पापी नूं सजा देण वास्ते असीं डोगरा ला के अपनियां फौजां भी ला सकदे हां? साडियां फौजां दा कब्जा ही किते भुलेखे च ना रही। जदों इन्हें गल सुनी बेईमानी दा पुतला उसने लहणा सिंह दे कदमां दे उत्ते डिग पिया और कहिंदा भाईआ जी दुहाई राम दी, मैनूं माफ कर दिओ, मैथों गलती हो गई। लहणा सिंह ने आख्या पुत्र बड़ी छेती गलती दी माफी मंगना, गले तो फड़ के तां उठा के लहणा सिंह ने चपेड़ मारी ते पग ला के धरती ते सुट के अजीत सिंह दे पैरां सुट दिता। उन्हें आख्या भतीजे कर खड़ा इसनूं जरा। अजीत सिंह ने गले तो फड़ के खड़ा किया ते चपेड़ मार के सरदार लहणा सिंह वल। ज्ञानी गुरमुख सिंह ने आख्या कहन लगा अजीत सिंह तेरे हाथ च बंदूक है, जिदे चो गोली चलाउन लग्या तू अपने सके भरा दे जरा जना तरस ना किया, तेरे सामने बेईमानी का पुतला हुण बच के ना जावे। ध्यान सिंह बेईमान खलोता, उहदियां अखां अगे सरों फुल गई, ला के मोढ़े तो बंदूक भर के उहदे च कारतूस। अजीत सिंह ने किवें गोली मारी? गज के आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु। वार तो बाद जिहड़ी वनगी तुसां ने सरवण कीते उसनूं काफी आखदे ने। जदों सूरमे किसी वड्डे दुष्ट नूं सोधा लाउंदे ने ते ढाडी सिंह फिर वार तो बाद इसनूं संगतां नूं समर्पित करदे हन। इत्थे एक लंबी कविता है, समां नहीं, उसनूं मैं कल तुहाडे चरणां च रखांगा। नाले इन्ना कि होना चाहिए कि कल दे दीवान तक असी ध्यान सिंह इस तरह तड़फद्या होया छड़ दईए। ये बेईमान जमीन उत्ते डिगा रहे, पानी पानी मंगदा रहे, कल दे दीवान तक इसकी असी मौत नहीं आन देनी। कल दे दीवान च इसकी मौत होवेगी। उस तो अगला मजबून मैं तुहाडे चरणा च रखने का यत्न करांगा। सत्कारयोग बाबा जी बाबा बलजीत सिंह जी दादूवाल वाले वो आण के संगतां च बैठे हुए ने, उन्होंने कीर्तन की शहबर द्वारा आप संगतां नूं निहाल करना है। मैं बहुता समा उन्हां जी और आप जी के दरम्यान ना रहा, होईआं भुल्लां दी तुहाडे पासों खिमा मंगदा हाँ। अगे वास्ते समत बख्शिश कर दिओ। सारी संगत प्यार नाल आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।